दोस्तों नेशनल परमिट को लेकर एक बहुत अच्छी खबर है सरकार की तरफ से। अब बहुत देर से खास करके लॉकडाउन के पीरियड में ये डिमांड थी ट्रांसपोर्टर्स की, गाड़ी मालिकों की, कि नेशनल परमिट लेने में दिक्कत आ रही है, जिसके लिए नॉर्मली आरटीओ दफ्तर में जाना होता है, लेकिन आरटीओ दफ्तर कई बार बंद होते हैं कोरोना के चलते, तो उनकी जो मूवमेंट है गाड़ियों की वो प्रभावित होती है। कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि नेशनल परमिट घर बैठे ही मिल जाए, किसी भी आरटीओ डीटीओ दफ्तर में जाना ही ना पड़े। तो इस चीज़ को अब संभव कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक बहुत अच्छा नया सिस्टम लॉन्च कर दिया है मिनिस्ट्री ने, और इसके निर्देश दे दिए गए हैं राज्य सरकारों को कि इसको लागू करें जल्द से जल्द। क्या है नियम और किस तरीके से नेशनल परमिट अब आपको घर बैठे ही मिल जाएगा, किसी टीटीओ आरटीओ के सिग्नेचर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए बात करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहरुख है, मैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट जयपुर से, मेरा गाँव आंधी है। मैंने भी अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया था, इनका बहुत बहुत अच्छा काम लगा मेरे को। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी बिजनेस करने में बहुत हेल्प करते हैं। मैं तो सभी भाई लोगों से निवेदन करता हूँ कि अपनी सभी गाड़ियों के इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से कराएं। ट्रांसपोर्ट मॉल से संपर्क करने के लिए 9831 पर संपर्क करें। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 9831 पर, आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज MVL सेक्शन, इनके द्वारा 2 जून 2021 को एक पत्र जारी किया गया है तमाम जो राज्य हैं, यूटीज हैं, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स आदि, उन सबको ये आदेश भेजे गए हैं कि एक नया SOP बना दिया गया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिया गया है, कंप्यूटरीकरण में एक ऐसा इस तरीके से उसमें बदलाव कर दिए गए हैं कि अब जो नेशनल परमिट है वो घर बैठे मिल जाएगा जिसको चाहिए, जिस गाड़ी मालिक को ये चाहिए। तो उसका पूरा प्रोसीजर बताया गया है इसके अंदर कि कैसे कैसे मिलेगा। ये ना सिर्फ गाड़ी मालिकों के लिए सूचना है और बल्कि जो ट्रांसपोर्ट विभाग है राज्यों के, उनके लिए भी ये सूचना है। पहले हम बात करेंगे, मैं प्रोसीजर समझाऊंगा, उसके बाद बात करेंगे कि कब लागू होगा या लागू हो चुका है। तो शुरू करता हूँ मैं, सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा आपको नेशनल परमिट घर बैठे लेने के लिए। तो पहला स्टेप जो है, आपको पोर्टल पे जाना होगा, vahan.parivahan.gov.in, ये तो आप अक्सर यूज़ करते हैं, लेकिन इसके साथ /n-permit पूरा डालेंगे तो आप इस पोर्टल पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप नेशनल परमिट को ले सकते हैं घर बैठ के। तो यहां पर जब आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले आप अपनी गाड़ी का नंबर रजिस्टर करेंगे, उसकी जो चेसी नंबर है उसके पिछले 5 अंक जो है, डिजिट जो है, वो आप एंटर करेंगे। इतना डालते ही सिस्टम को पता चल जाएगा आपकी गाड़ी के बारे में, हर जानकारी उसको पता चल जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि इस गाड़ी का टैक्स पूरा भरा हुआ है या नहीं, फिटनेस है या नहीं, इंश्योरेंस है या नहीं, गाड़ी की एज क्या है, गाड़ी के पास जो बेस परमिट है वो है या नहीं, यानी कि उसकी राज्य का जो परमिट है वो है या नहीं, और इसके साथ ही होम स्टेट ऑथराइजेशन है या नहीं। तो तमाम चीज़ें जो रिक्वायरमेंट होती है नेशनल परमिट की, अक्सर ये DTO दफ्तर वाले चेक करते हैं, RTO दफ्तर वाले चेक करते हैं कि आपके पास है या नहीं, जब होती हैं तभी आपको नेशनल परमिट दिया जाता है। तो ये ऑटोमेटिक कर दिया गया है क्योंकि ये तमाम जानकारियाँ जो हैं आज की डेट में वो कंप्यूटरीकरण हो चुका है, जो डेटा है वो सरकार के पास है आज की डेट में। तो जैसे ही गाड़ी नंबर और चेसी नंबर डाला जाएगा तमाम जानकारी सिस्टम को पता चल जाएगी, और अगर ये सब कुछ सही हुआ तो अपने आप जो सिस्टम है, जैसे उसको पता लगेगा कि तमाम जानकारियां ठीक हैं तो आपको वो पेमेंट गेटवे की तरफ ले जाएगा। आप इंटरनेट के ऊपर ही ऑनलाइन जो है इसकी पेमेंट कर देंगे, जो भी फीस है नेशनल परमिट की, और उसके बाद आप सीधा जो है वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं अपना नेशनल परमिट, उसका प्रिंट ले सकते हैं, और ये डिजिटली साइंड होगा, डिजिटल सिग्नेचर होंगे इसके ऊपर। कहने का मतलब यह है कि किसी RTO DTO क्लर्क की या खुद RTO की स्टैंप या उसके साइन इस कागज़ के ऊपर ज़रूरी नहीं होंगे। जो आपने प्रिंट निकाल लिया वो बिल्कुल ठीक है और वो अपने आप सरकार के सिस्टम में भी चढ़ गया, अगर कोई चेक करना चाहेगा तो वैलिड दिखाई देगा आपका नेशनल परमिट। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बेसिकली आपने कुछ भी नहीं किया, आपने गाड़ी का नंबर डाला, चेसी नंबर डाला, पेमेंट करी है, बस चौथे स्टेप में आपको आपका नेशनल परमिट घर बैठे ही आपको मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए वो जो 6-7 शर्तें हैं टैक्स, फिटनेस आदि, उसमें से अगर कोई एक भी चीज़ आपकी पेंडिंग हुई वो भी सिस्टम को पता चल जाएगी, तो वो वहीं पर आपको प्रॉम्प्ट कर देगा, ऑब्जेक्शन शो कर देगा कि ये अभी आपको परमिट मिल नहीं सकता है और इसका कारण ये है, जो कारण बताएगा आप उसको चेक करेंगे, उसको पूरा करेंगे और उसके बाद दोबारा से ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करेंगे तो आप जो अपना नेशनल परमिट है उसे डाउनलोड कर पाएंगे। जो वो ऑब्जेक्शंस हैं उसके लिए हो सकता है कि आपको RTO दफ्तर जाना पड़े, लेकिन अगर तमाम चीज़ें पूरी हैं फिर आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है।
देखिए जहाँ पर सरकार अच्छा काम करती है उसकी तारीफ ज़रूर करनी चाहिए और इस केस में ज़रूर करेंगे, लेकिन पूरी तारीफ तब करेंगे जब इसको जल्द से जल्द और अच्छे से लागू कर दे और बाद में जो जनरेट हो रहा है वो सर्टिफिकेट जो नेशनल परमिट मिल रहा है उसके कहीं चलान होने ना शुरू हो जाएंगे, भाई इसके ऊपर स्टैंप नहीं है, इसके ऊपर साइन नहीं है। तो कृपया करके इसको लागू करने से पहले ही जो आपकी इन्फोर्समेंट एजेंसी जो पुलिस वाले खड़े हैं, जो आरटीओ का स्टाफ ही इवन खड़ा है, उनको पहले बता दीजिएगा भाई ये डिजिटली साइंड है, इसके ऊपर किसी साइन स्टैंप की ज़रूरत नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा ही होगा और ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। लाभ आपको हमेशा होगा जब तक आप ट्रांसपोर्ट टीवी देखते रहेंगे। आपको अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में दो एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90831 90831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन, फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।